राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद अफ्रीकन देशों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमन दूत के रूप में सामने उभर करके आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से G20 में लगातार अफ्रीकन देश फाइट करता रहा है कि उन्हें स्थायी सदस्यता मिल सके, लेकिन 17 सम्मेलनों में ऐसा नहीं हो सका। और अब जब भारत को इसकी अध्यक्षता मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया और तमाम G20 के राष्ट्राध्यक्षों को मनाने में कामयाबी हासिल कर ली और दिल्ली के भारत मंडपम से उन्हें स्थायी सदस्यता देने में वो कामयाब हो सके। इसके बाद अफ्रीकन देशों में खुशी की लहर है कि वो भी अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रख सकता है और आर्थिक तौर पे मजबूत हो सकता है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी ने नस्ल भेद और रंग भेद के खिलाफ अफ्रीका में विरोध किया था और इसके लिए उन्हें कड़ी यातनाएं दी भी गई थी, ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, उनकी पिटाई की गई थी और उन्होंने द ग्रेट मार्च किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा में आया था ये मार्च। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के बाद शांति दूत के रूप में, अमन दूत के रूप में सामने आए हैं और तमाम 55 अफ्रीकी देशों के लिए एक सौगात दिया है। इंडिया न्यूज के लिए मनोहर केसरी की रिपोर्ट।